आदाब। पर्पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार से एक हैरान कर देने वाली खबर हम लोगों के सामने आई है, जिसे जंगल राज साफ तौर पर बिहार में देखने को मिल रहा है। ये वही बिहार है जहां पर जब कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी तो हमारा मीडिया गला फाड़ फाड़ करके हमें बता रहा था कि वहां जंगल राज है, और जब वहां पर बीजेपी और जेडीयू की सरकार है तो उसे जंगल राज कहने में शर्म आ रही है, क्योंकि लगातार जो घटनाएं घटती हुई सामने आ रही है, बिहार में भी मॉब लिंचिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। आज फिर एक हैरान कर देने वाली खबर हम लोगों के सामने आई है, जिस पर आप लोग भी एक बार नजर डाल लीजिए। नीतीश कुमार के बिहार में एक बार फिर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। पशु चोरी के शक में एक युवक की पीट पीट कर भीड़ ने हत्या कर दी है। बिहार के मोकामा थाना क्षेत्र के मोर गांव में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। यहां मवेशी चोरी के आरोप में बरहापुर गांव के निवासी मतलू बिंद की ग्रामीणों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद मोकामा थाने की पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है तथा उनसे पूछताछ की जा रही है कि पुलिस ने शव को ग्रामीणों के चुंगल से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बाड़ भेज दिया है तथा पूरे मामले पर मोकामा थाने की पुलिस गंभीरता से जांच में जुट गई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बिहार से ये हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक बार फिर पशु चोरी के शक में एक मजदूर को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया, पर सरकार है कि इस पर कोई लगाम लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि सुशासन बाबू नाम दिया गया था उन्हें। सुशासन अपने राज्य में सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था रखी हुई थी, पर भारतीय जनता पार्टी से मिलने के बाद से ये घटनाएं और बढ़ गई हैं, और बिहार में ये खबरें अब सामने ज़्यादा आएंगी, क्योंकि बिहार में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं, और उसी चुनावों को देखते हुए, क्योंकि जिन भी राज्यों में हम लगातार देख रहे हैं ये घटनाएं सामने आती हैं, वहाँ पर कुछ महीने बाद चुनाव आने वाला होता है, और उसी के तर्ज पर ये हत्याएं होती हैं, और इन हत्याओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार तैयार नहीं। मैं ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।